को अवॉइड कर रहा था, नीट में जरूरत नहीं पड़ती उसकी, बट फिर भी आप पूछोगे तो मैं आपको हमेशा बोला कि मैं आपको जवाब दूंगा। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? बोलो, चलो कराओ जल्दी से, स्ट्रक्चर्स बनाओ। 1 2 3 बताओ ये प्लस 1 से कहाँ जाएगा? तेजी से काम करना, 1 से कहाँ जाएगा? 3 पे जाएगा। अच्छा, तो पहले आप स्केलेटन बनाते हो, तो बना लो बेटा स्केलेटन में क्या क्या पहले लिखते हो? जो अनटच्ड है, ये अनटच्ड है और ये अनटच्ड है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर? बोलो। अच्छा अब बताओ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? प्लस चार्ज जो भी होता है वो 1 से 3 में जाता है, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में जाता है, तो यहाँ प्लस आ गया। क्या नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकता है? कैसे फिर से 1 2 3 बना सकते हैं? चलो बेटा बताओ, पहले स्केलेटन बनाओ, मेक स्केलेटन ऑफ कंपाउंड, डबल बॉन्ड, बोलो क्या? CH2। देखो मैं फिर से समराइज करता हूँ, फिर से एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि भाई ये डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, फिर आपको क्वेश्चन ये था कि सर आप डबल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी तो आप कैटायन की डिफाइन कर रहे हो और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? डबल बॉन्ड ले रहे हो। तब चलो ठीक है, मत मानो इस बात को, मैंने बोल दिया। चलो अभी आप दिखा देता हूँ मैं आपको कि आप प्लस चार्ज के बेसिस पे अल्फा हाइड्रोजन डिफाइन करना चाहते हो। यस, देखो आपको अभी साफ साफ नजर आएगा, देखो जरा कैसे। अच्छा बताओ बेटा पहले किसको लिखे? लिख लिया। अब बताओ ये प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा? 3 में, और ये 2 3 से कहाँ चला जाएगा? 2 1 में, और यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि अब अगर हम इस प्लस चार्ज को बंद कर दें तो उससे निकला हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अब कोई कष्ट? अब कोई कष्ट? तो जो चाहिए था मिल गया ना आपको, तो मैं ना बताया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बट कुछ चीज़ें नीट के लिए मुझे स्किप करनी पड़ती हैं क्योंकि उनका जरूरत नहीं होता, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, बट अगर आप पूछोगे तो मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, क्लियर है? जल्दी इसको नोट कर लो, तो वाई दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे ही। अच्छा अब एक काम, अब यहाँ पे देख लियो तो चीज़ और भी देख लो, मान लो देखना जरा सर, अब एक चीज़ और देख ही लो आप यहाँ पे, मान लो हमने कहा कि यहाँ पर ये है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने CH2+ लिया था, अब मैं अगर यहाँ पे CH3 लगा देता यहाँ पे, तो क्या मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर लूँ? बोलो, ये ऐसे था, इसका मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ, क्या बनता बताओ जरा सा मुझे, बोलो। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता, उसके बाद क्या होता बताओ, यहाँ पे CH3 रहता और यहाँ पे कौन सा चार्ज आता, और ये ऐसे रहता। अब बताओ व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन, दिस इज यानी कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा हुआ है तब भी क्या देगा वो? हाइपर कॉन्जुगेशन। पारा पे लगा है तब भी क्या देगा वो? अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना किसी को, अब बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो आप कैसे भी समझ सकते हो, अब क्लियर है ना? नो डाउट, मीटअप, अब आगे बढ़ो, कहीं मीटअप आएगा, देखो आएगा। और कोई भी दिक्कत है पूछ लो, बताओ मुझे, हाँ कुछ लग रहा है बेटा, बताओ अंदर मत रखो, जो है सब बाहर निकाल डालो, हाँ? हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा कहाँ कहाँ पे काम करेगा बोलो, कहाँ कहाँ पे काम करेगा? ऑर्थो एंड, आप देखते हैं आप क्या आंसर देने वाले हो। चलो जल्दी बोलो मुझे, इतना जवाब दो कि क्या ये मेटापोजिशन है? बेंजीन रिंग होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे लिखा है और आपने लिख दिया मेटापोजिशन, ऐसा लिखा तो मेटापोजिशन सचिन कब होगा? हाँ तो ये गड़बड़ मत करना भाई, हो गया मेटापोजिशन, ये भी कौन सा पोजिशन है? मेटापोजिशन, ये भी कौन सा पोजिशन है? मेटा, अब भाई देखो अभी तो मैंने इसका मैकेनिज्म पहले बता ही दिया, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, अब शायद कंफ्यूजन माइंड में नहीं आना चाहिए। क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है? तो क्या मैं इसको प्लस एच लिख के काट दूं? प्लस एच लिख के काट दूं? प्लस एच लिख के काट दूं? क्यों काट दूं? क्योंकि है ही नहीं भाई, मेटापोजिशन है। अच्छा तो क्या लिखे हैं अब? प्लस आई, तो अब ये प्लस आई देगा, ये भी प्लस आई देगा और ये भी प्लस आई देगा, और प्लस आई पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है? CH3 CD3 एंड CH3, एनी डाउट? अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला आप कैसे याद रखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन, यानी CH3 पहले आएगा फिर
CT3 फिर CT3 जो तरीका बताते जरूर वैसे याद भी रखते जाओ। नाउ बताओ यहां भी प्लस, 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 बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बेटा बढ़ेगा। यस तो बढ़ाओ, ये भी क्या हुआ? बढ़ा। ये भी बोलो क्या हुआ? बढ़ा। अब देखो तीनों का बढ़ रहा है, तीनों का बढ़ रहा है, अब किसका ज्यादा बढ़ेगा? तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा बढ़ाएगा, और जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटाएगा भी। अगर घटा रहा होगा तो ज्यादा घटाएगा भी, और बढ़ा रहा होगा तो ज्यादा बढ़ाएगा भी। विच वन इज मोर पावरफुल? सी सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। तो सी बी ए, व्हाट इज द आंसर? सी बी ए। अब कहानी समझ में आई? क्लियर है? तो देखो कि कहां पे आई लगाना है, कहां पे एच लगाना है। टेक द डिफरेंस, सी द डिफरेंस कि क्या करना है एक्चुअली में, कहां पर क्या हो सकता है। जब मैंने पारा पे लगाया था तो आई फिर से काम नहीं चला था। किसकी बात किया था मैंने? हाइपर कॉन्जुगेशन की बात किया था, क्योंकि आई फिक्स से रिजल्ट क्या आ जा रहा था? उल्टा आ जा रहा था। नाउ नेक्स्ट वन। अब अगर यहीं पर मैं एक अच्छा एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड देखना जरा, सब देखते हैं अब आप क्या करते हो। कार्बेटाइन नहीं ले, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, बट कार्बेनायन, एक्चुअली में कार्बेनायन के केस में हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं करते। मैं लिखा दूंगा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा एक, बाकी आप स्ट्रक्चर खुद बनाना। ये क्वेश्चन मेरे साथ नोट करो जल्दी तेजी, चलो फास्ट। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर। आप पता है, काम करो, पहले एग्जांपल ऐसे ही नोट करो, उसके बाद कार्बन के लगा के वैलेंसी पूरा करके लिखो एकदम कंप्लीट। पहले आप ऐसे लिखो, पहले जो क्वेश्चन एज सच नोट करो, एज सच, देन मेक कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, ईच कार्बन, देन डिसाइड विच विल इज मोस्ट स्टेबल। पहले आप ऐसे लिखो, देखते क्या पक्का कन्फर्म श्योर। ऑल अल्काइल ग्रुप सोच प्लस आई इफेक्ट देते ना, प्लस आई इफेक्ट, और जितने ज्यादा अल्काइल लगे होंगे उतना ज्यादा प्लस आई देंगे, है ना। एबीसीडी क्या? डीसीबी है, देख लो भाई, मुझे तो डीसीबी लग रहा है। सचिन आपको क्या लग रहा है? डीसी डीसीबी क्या देखेंगे बेटा? पता नहीं कौन सा बेटा आंसर होगा सही, एबीसीडी। सचिन डीसीबीए, चलो कितने लोग बोले डीसीबीए? हाथ उठाओ। डीसीबीए नहीं, अकॉर्डिंग की मतलब ही नहीं। हमने आपसे क्या पूछा, हमने आपसे क्या पूछा, हमने आपसे क्या पूछा? राइट स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। मैंने तो नहीं बताया बेटा कि रेजोनेंस लगाना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्वेश्चन ये थोड़ी पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन राइट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड। क्वेश्चन नोट किया? चलो इधर नोट है। अच्छा अब बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इसके क्वेश्चंस के? नहीं अब समझ में आ रहे हैं ना अच्छे से? अब गुड, और रेजोनेंस के भी ऐसे ही हो जाएंगे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। देखो पहले का जरा देखो, फर्स्ट का। अब मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ उसका, ठीक है, CH2+, ठीक है, ओके बेटा। अब यहाँ पर क्या मैं CH3 लिख सकता हूँ? अरे वैलेंसी पूरा कर लोगे ना। दूसरा बताओ ऊपर में क्या आएगा? CH2+, और ये ऐसे है तो एक CH2 आएगा और एक CH3, ऐसे ऐसे देखो ना, हर जगह यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बैलेंसिंग पूरा करो। C में क्या आएगा जरा बताना? CH2+, और ये ऐसे है तो यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पर ये और ये, सॉरी CH3, और यहाँ पर भी CH3, और इसके पास एक हाइड्रोजन, CH लिखे ऐसे सीधे, ठीक है। और जो D आएगा, उस D में क्या आएगा जरा देखो, CH2+, ओके बताओ क्या क्या है यहाँ पर? C आएगा, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर, क्लियर है? ओके अब एक चीज बताओ बेटा, देखो ना, अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज DCBA, है ना, DCBA आंसर होगा।
अरे ये प्लस आई दे रहा है, ये भी 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 प्लस आई दे रहा है, ये पूरा कंपाउंड प्लस आई दे रहा है और ये प्लस आई दे रहा है। और आपको पता नहीं कि प्लस आई में अगर एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ जाता है तो प्लस आई पावर भी बढ़ जाता है। मैं लिखाया हूं ना साइड में प्लस आई किसका किसका, मान लो एक सी एच थ्री है, मान लो एक सी टू एच फाइव है, मान लो एक सी थ्री एच सेवन है, बताओ प्लस आई पावर किसका ज्यादा होगा। ध्यान रखना ठीक। ये कौन सा चार्ज यहां पर है, तीन प्लस बढ़ा दिया स्टेबिलिटी। सचिन दो प्लस बढ़ा दिया स्टेबिलिटी। अब ये प्लस ये प्लस ये बढ़ा, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है देखो आई इफेक्ट की वजह से, तो ये बढ़ा ये बढ़ा। बताओ ये प्लस तीन लगे तीन आई इफेक्ट की वजह से। सो आई इफेक्ट अगर हमने देखा प्लस आई इफेक्ट तो आंसर इज बताओ डी सी बी ए मोर आई इफेक्ट। मैंने कहा था ना कि हमारी नजर गलत जगह पे ही पड़ती है, कहाँ पड़ती है गलत, अब उसको अदरवाइज मत लेना। गलत जगह का मतलब क्या कि आई इफेक्ट गलत है ना हमारे लिए भाई, तो आई इफेक्ट हमारे लिए अगर गलत है तो हम गलत क्यों देखेंगे, हम क्या देखेंगे बताओ सही देखेंगे। तो सही जगह पे नजर डालो बेटा है ना, आप रास्ते में भी चलते हो ना तो सही जगह देखा करो। गुप्पर आपसे बोल रहा हूँ बेटा ना, तो इसका मतलब हम अच्छी बात क्या करेंगे, हमारे लिए अच्छी बात क्या है ये हमारे लिए, तो हम इस पे नजर नहीं डालेंगे, गलत जगह पे नजर नहीं डालेंगे, कहाँ पे नजर डालेंगे अच्छी जगह। तो अच्छी जगह कौन सी है सो अब बताओ, पहले तो ये बताओ ये कौन से पोजीशन पे लगे हैं सारे, पारा पोजीशन पे, और अगर ये पारा पोजीशन पे है तो नहीं पूछोगे क्यों दे रहा है, पक्का ना दोबारा लाइफ में कभी भी बात नहीं होगी इस बारे में। ओके गुड, तो अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकता है तो ये भी प्लस एच देगा, ये भी प्लस एच देगा, ये भी प्लस एच देगा और ये भी प्लस एच देगा, दे सकता है। अब नहीं अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो नहीं देगा, देख लेते हैं। अब इसकी बात तो अब बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, लिखाओ तीन अल्फा हाइड्रोजन है, वेरी गुड। इसके पास कितने हैं दो ही, समझ रहे हो ना बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। क्यों ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शनल है। और एक फंक्शनल यहां तो फंक्शनल दिख नहीं रहा, दिखाया था ना उस टाइम पे, यस। तो थ्री अल्फा हाइड्रोजन, अब बताओ यहां पर टू अल्फा हाइड्रोजन, बताओ यहां पर वन अल्फा हाइड्रोजन, बताओ यहां पर जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस यहां पर तो ये गया काम से, यहां पर तो ये गया काम से। अब बताओ यहां पर तीन है, यहां पर दो है, यहां पर एक है और यहां पर जीरो है। अब बताओ बेटा प्लस आई डिसाइड करेगा कि प्लस एच डिसाइड करेगा, तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन विच वन इज मोस्ट स्टेबल विच द कंपाउंड विच इज हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं तीन, तो बताओ ए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये है कहानी। तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करो तो लोचा खा जाओगे बेटा, झटका ऐसा लगेगा एकदम सीधे फ्लैट होकर नीचे गिरोगे, समझ रहे हो ना बात। तो ये सब कंपैरिजन जो है ध्यान रखना है, आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का मिक्स जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया, ओके गुड। चलो तो ये आप पहले ही कर चुके थे, हटा देता हूँ इसको यहाँ पे, है ना, आपको जस्ट लिख लेना है, पता तो ही है आपको। चलो अब हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। ये कार्बो कैटायन था, ये क्या था कार्बो कैटायन था, अल्किन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। अच्छा इसके पहले पहले बेटा हम लोग भी क्या कर चुके हैं बात, बॉन्ड लेंथ की बात भी कर लिए थे, बॉन्ड ऑर्डर की बात भी कर लिए थे, अब हमने कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी की भी बात की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। अल्किन को जानने से पहले, अल्किन में कुछ और बात करने से पहले हमें थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी टाइप्स ऑफ अल्किन की, इसकी बात करनी पड़ेगी, बोलो टाइप्स ऑफ अल्किन, बताओ जरा टाइप्स ऑफ अल्किन, कोई बताएगा टाइप्स ऑफ अल्किन। एलिन, एलिन और बेटा, हाँ आपको पता है, बताना नहीं चाहते तो आप बताओ, बता दो पता है तो थोड़ा हमको पता चल जाएगा। यस रचना कुछ तो बोलो बेटा, आज बड़ा स्मार्ट लग रहे हो आप, है ना। यस यस नो आइडिया, गेट आइडिया। तीन तरह का अल्किन होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड अल्किन,
दूसरे को हम बोलते हैं आइसोलेटेड अल्केन, तीसरे को हम बोलते हैं कुमुलेटेड अल्केन, पता है ना, जानते हो ना ये तीनों अल्केन, जानते हो ना ये तीनों अल्केन। कंजुगेशन से तो आप समझ गए होगे क्या, रेजोनेंस पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेट अल्केन मतलब पाई बॉन्ड कंजुगेशन, कौन सा कंजुगेशन, पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अब एग्जांपल अलग से बताता हूँ, ठीक है, यहीं पे आगे बढ़ा दूंगा, आइसोलेटेड और ये, तो इसको पहले यहीं पे पढ़ा लेता हूँ आगे क्या होता है। देखो जरा सा, सपोज मैंने ऐसे लिखा, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, हमने कहा कि ये सी एच टू है, डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड, क्या इसमें डबल सिंगल डबल हो रहा है, हो रहा है, तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा, मिनिमम कंडीशन फॉर कॉन्जुगेटेड अल्कीन, मिनिमम कंडीशन बताओ जरा आप, डबल सिंगल डबल, अगर ऐसा किसी कंपाउंड किसी अल्कीन में आ जा रहा है, दैट अल्कीन विल बी कॉन्जुगेटेड अल्कीन, और इससे ज्यादा आ गया और अच्छी बात है, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, इज इट कॉन्जुगेटेड अल्कीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या ये वाला अल्कीन भी कॉन्जुगेटेड है, क्या ये भी कॉन्जुगेटेड है, बोलो, डबल सिंगल डबल। अब मैंने इसको बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, विच वन इज मोर स्टेबल, वाई ए, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी मोर कॉन्जुगेशन, मोर रेजोनेंस मोर द रेजोनेंस, तो अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो विच वन इज मोर स्टेबल, यानी कि ध्यान रखो बेटा, इस पहले वाले केस में रेजोनेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है, हालांकि रेजोनेंस हम अभी डिटेल में गए नहीं, अभी हम आई के बाद कहां पर आए, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आए, बट इतना तो अब हम सब जानते ही है ना, लोग प्रॉपर बैच में, इतना तो हम जानते ही ना कि मोर द रेजोनेंस मोर द डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, ए इज मोर स्टेबल देन बी, यानी कि अगर कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हमारे पास आ जाती हैं तो हम उन्हें रेजोनेंस चेक कर लेंगे, जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ओके, नाउ हम विल डिस्कस कुमुलेटेड अल्कीन, कुमुलेटेड अल्कीन पता क्या होता है, डबल डबल होता है कंटिन्यूअस, लाइक मैं लिख रहा हूं इसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो कुमुलेटेड अल्कीन का होता है, स्मॉलेस्ट अल्कीन स्मॉलेस्ट पार्ट वो पता है क्या होता है, उसको बोलते हैं एलीन, बोला किसने, बोला किसी नाम लिया था बेटा उस टाइम पे, किसने नाम लिया था एलीन का, अरे सचिन क्या बात है बेटा, छा गए आप तो, ये होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज कॉल्ड एलीन स्मॉलेस्ट, हो गया, तो ये कंडीशन मिनिमम। अच्छा आप बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, क्या अब ये बताओ ये एलीन, ये क्या ये एलीन है, दिस इज एलीन बट दिस इज, तो ये भी कुमुलेटेड है, इसको भी हम क्या बोलेंगे कुमुलेटेड, बट इट्स नेम इज इट्स कॉमन नेम इज एलीन, ये भी कुमुलेटेड है बट नॉट एलीन बोलेंगे, क्लियर यहां तक बात। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप कॉन्जुगेटेड अल्कीन पहचान जाओगे, क्या आप कुमुलेटेड अल्कीन पहचान जाओगे, अच्छा जो कॉन्जुगेटेड पहचान लिया आपने पक्का पहचान जाओगे कंफर्म, आइसोलेटेड पहचान लोगे, अच्छा जरा बताना, बताइए कौन सा है, कौन सा है, हाउ कॉन्जुगेटेड, डबल नहीं सिंगल नहीं, डबल सिंगल डबल, क्या है बताओ, सो इट इज हैविंग डबल सिंगल डबल, बोलो बेटा, सो दिस इज व्हाट कॉन्जुगेटेड, सीधे शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रहा हूं, डबल डबल कुमुलेटेड, और बेसिकली एलीन है क्या ये, इसमें अपने हाँ अब मैं जो पूछे जवाब देना उसके बेसिस पे, क्या ये कॉन्जुगेटेड है, क्या ये कुमुलेटेड है, तो जो कॉन्जुगेटेड नहीं है कुमुलेटेड नहीं है दैट इज आइसोलेटेड, दैट इज आइसोलेटेड, क्लियर हो गया अभी, सो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कॉन्जुगेटेड अल्कीन कौन सा होता है, कुमुलेटेड कौन सा होता है और आइसोलेटेड कौन सा, पक्का पहचान जाओगे, चलो नोट कर दीजिए सर, कॉन्जुगेटेड भी हो
अब तीनों लगा लो हैं, तो बोलो कौन सा हो गया है। मेरे कंपाउंड वो बनाओ जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो ना, कुछ भी कब डूब लगा कुछ थोड़ी बना लेंगे। बताओ सबसे पहले स्टेबल कौन हो, कंजुगेटेड, कुमुलेटर और आइसोलेटेड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कंजुगेटेड। सेकंड नंबर में कौन आ गया, ध्यान से सोच के बताना। क्यों कुमुलेटेड क्यों? रेजोनेंस डबल डबल कब होता था याद करो, मैंने कहा था कि जब लोन पे हो रहे तो कार्बन कवर है दोनों तरफ, नो रेजोनेंस, रेजोनेंस उसमें भी नहीं होता है। बताता हूँ अभी उसका रीजन क्या है। इसके बाद आएगा आपका आइसोलेटेड आता है हमेशा, क्या आता है, और सबसे लीस्ट जो स्टेबल होता है वो क्या होता है? कुमुलेटेड होता है। पहले तो हमें ये ऑर्डर ध्यान रखना है। मान लो आपके पास बहुत, तो कंजुगेटेड ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद आइसोलेटेड एंड देन कुमुलेटेड, क्योंकि कुमुलेटेड क्या है ना, सबसे लास्ट में आएगा और सबसे पहला आपका जो है कंजुगेटेड आने वाला है। और कभी भी अगर ऐसा हो कि बहुत सारे कंजुगेटेड आ जाएं या आइसोलेटेड आ जाएं या कुमुलेटेड आ जाएं, तो सबसे पहले कंजुगेटेड को नंबर दोगे, उसके बाद फिर आप आइसोलेशन में सिलेक्टेड करोगे, उसके बाद सबसे लीस्ट में आप किसको डालोगे? कुमुलेटेड को डालोगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं अब, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH। अब देखो ये पहला पार्ट आपका डबल सिंगल डबल आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? कंजुगेटेड है। दूसरे में आप देखो बी पार्ट में क्या है, डबल 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 डायरेक्ट है, इसका मतलब दिस इज कुमुलेटेड, बात समझ रहे हो। और इसके बाद फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका सबसे लास्ट में जो है वो कुमुलेटेड जाएगा, तो सबसे पहला कंजुगेटेड, ये जो बी पार्ट है दिस इज कुमुलेटेड, और उसके बाद फिर है ना देखो तो, और वो लास्ट में गया, और सी चूंकि यहाँ पर क्या है आइसोलेटेड है, वो बीच में आ गया, तो कंजुगेटेड आइसोलेटेड एंड कुमुलेटेड, बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है कि ये सबसे लास्ट में चला गया। अरे वाह गजब भाई, ये तो बस मस्त हो गया। तो कुमुलेटेड जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा आपका। अब है ना, और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं अल्किन्स की, कि वो किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे बेसिकली आइसोलेटेड अल्किन्स की, कि भाई अगर बहुत सारे आइसोलेटेड अल्किन्स आ जाएं तो उस केस में हम कैसे स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ओके चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब और उसको समझते हैं। तो पहला देखिए ए, अब यहां पर ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जरा ध्यान देना, बहुत मजेदार चीजें हैं, मजा आएगी आपको इसको समझने में, है ना। और ये सारे ऑप्शंस, पहला देखो आपको, चूंकि पहला वाला कंजुगेटेड भी नहीं है कुमुलेटेड भी नहीं है, तो हमने बताया था ना जो कंजुगेटेड भी नहीं होगा कुमुलेटेड भी नहीं होगा वो क्या होगा? आइसोलेटेड। तो जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं वो सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? आइसोलेटेड के हैं, है ना। तो आप ये सामने देख सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसमें और डालते हैं, है ना, और वो आपका देखो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम लोग कुछ सिस ट्रांस का इफेक्ट भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा आपको कि कैसे कैसे डिफाइन करना है। ओके चलिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, मस्त तरीके से एकदम, सो दैट कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं आपकी, और बहुत मजे करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे इसमें। अभी आप देखते चले जाओ कि भाई किस तरह से हम ये आइसोलेटेड अल्किन्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर। अब देखो ये सबसे पहला आपने देखा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप है ये, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की। अब आप यहाँ पर देखो कि दोनों CH3 सेम साइड में है, इसलिए यहाँ पर सिस पार्ट हो गया ये, और देखो यहाँ पर दोनों अपोजिट साइड में है, दैट इज ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर सिस और लिया और ट्रांस भी ले लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कैसे क्या क्या है, ये आपके चारों आइसोलेटेड हैं। देखो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो चार अल्फा कार्बन है ना, बोलो बेटा चार अल्फा कार्बन है, और ये जो चार अल्फा कार्बन है इनके पास आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, सो यहाँ पर देखो कितना है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो कौन सा हाइड्रोजन होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, है ना। और वो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम काउंट करेंगे टोटल, तो कितना आएगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आप जरा देखो यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9 और 12 हो गए, सो दिस इज टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए ओके, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो अल्फा कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये जो दो अल्फा कार्बन है, हाँ अब ये नीचे वाले जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पर देखो टोटल 3 और 3 कितने 6 होने चाहिए, लेकिन देखो आप 8 मत समझ लेना इसको,
है ना, कि भाई जो नीचे निकल रहा है ना डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन, उसको भी आप दो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, है ना। ये कहानी मत करना, ये गड़बड़ बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद फिर हमें अल्फा हाइड्रोजन को डिसाइड करना है। ऐसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, है ना। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये अल्फा कार्बन से अटैच है? बोलो भाई, नहीं। तो अगर ये अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? दोनों नहीं है। इसका मतलब ये 8 नहीं, कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। वेरी गुड। तो ये गलती होती है, ये गलती नहीं करना। अब सिमिलरली इसमें भी अगर आप देखो तो जो दो हाइड्रोजन आपको डायरेक्ट निकलते हुए दिख रहे हैं, दैट इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ अल्फा कार्बन। बात समझ रहे हो? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो टोटल, तो यहां पर आपको कितना मिलेगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी मिलेगा। अरे वाह, ये क्या हो गया, दोनों में 6-6 हो गए। अब ध्यान से फिर देखो, अब ये जो दो हाइड्रोजन मैंने लगाए यहां पर, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नो नो, ये जो कार्बन दोनों इधर लगे हैं, है ना, यहां पर ये दोनों अल्फा कार्बन है, और अगर ये दोनों अल्फा कार्बन है तो इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो टोटल यहां पर आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं बेटे कि अल्फा कार्बन से अटैच नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। सो यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो टोटल 6-6-6 देखो। तो अब देखो सबसे ज्यादा किसमें है और सबसे कम किसमें है, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करो कि भैया स्टेबिलिटी क्या होगी, और उसके बाद हम बहुत आसानी से दिखा पाएंगे। तो यहां पर क्या है कि बेटा, यहां पर पहले में तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, चारों आइसोलेटेड है, 12 है और बाकी में 6-6 है, तो 12 वाला तो सबसे ज्यादा हो गया। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ए जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद फिर हमें अब डिसाइड करना है कि बी सी और डी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस चीज को हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना होगा। तो ए भाई सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, इसका टेंशन तो खत्म हो गया। नाउ अब द टर्न ये आएगा कि भाई बी सी और डी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब उसको भी समझते हैं बहुत बढ़िया डिटेल में, है ना। तो यहां पर एक चीज तो कंफर्म ये हो गया कि भाई जो सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, ए है। अब यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, तीनों जगह 6-6। अब क्या करें भाई, अब तो लोचा हो जाएगा, अब तो लोचा ही लोचा है। तो अब इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप ये मान लो कि आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन बहुत बढ़िया से डिसाइड कर लोगे, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन सिस एंड ट्रांस अल्किन, इफ सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन सिस एंड ट्रांस अल्किन, देन देन ये मैं पर्टिकुलर स्मॉल अल्किन्स की बात कर रहा हूं, मतलब जहां पर छोटा सा अल्किन बहुत बड़ा अल्किन ना हो, साइक्लो अल्किन की बात नहीं कर रहा हूं। देन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, देन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। आगे हम और आपको बताएंगे, सिस भी ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, पता है। फोटो केसेस हम आगे डील करेंगे, वो लार्ज कंपाउंड कार्बन का रिंग देखना होता है, उसके बेसिस पे आगे चीजें डिफाइन होती है। बट अभी यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सिस तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, उसका रीजन बताओ, एक सिंपल सा, ये बल्कि ग्रुप है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं बड़े ग्रुप होते हैं। अब ये बड़े ग्रुप एक ही साइड में लगे तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, एंड रिपल्सन स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अब ये तो एकदम अपोजिट है, तो रिपल्सन सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन बताओ? ट्रांस, बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक रिपल्शन। क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक रिपल्शन, रिपल्शन कम हो रहा है, रिपल्शन यहां पे ज्यादा है। ये रीजन भी समझ में आता है। अब इसका क्या करें, हाँ, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं है, ये भी तो सोचो। अगर आप यहाँ बल्कि बोल रहे हो तो यहाँ तो एकदम 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 इतु सा दूर लगे हुए हैं, तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, सुनना पसंद करोगे? है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों कंपाउंड को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मैंने लिया CH3 और यहाँ पे लिया मैंने CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। दूसरा कंपाउंड इनमें से मैं कोई भी एक ले लूँ, ये CH3, ये H, ये CH3 और ये H। तो पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक,
कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है बेटा? इसके पास कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, अब वो कहानी क्या था सुनना जरा ध्यान से, उसके बाद लॉजिक भी समझा दूंगा आपको। पहले कहानी के बेसिस पे सब बात करते हैं। एक घर था उसमें छह भाई रहते थे। एक घर था उसमें कितने भाई रहते थे? छह सगे भाई रहते थे, हेल्दी हंसते मतलब पूरा एकदम लाइक कोई है। कौन जाता है जिम? आप में से जिम कौन जाता है? आप जाते हो क्या बेटा? नाम क्या है आपका? नाजिस। नाजिस की बात करते हैं, है ना? नाजिस हेल्दी है एकदम। तो नाजिस जो है, नाजिस जैसे छह लोग, छह भाई एक साथ घर में रहते थे, एक घर में छह। अब बताओ ये घर है उसमें कितने भाई हैं? छह भाई दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? अब इसके अंदर तीन चोर घुस गए, कितने? चार। चार इसके अंदर, चार चोर जो है इसके अंदर घुस गए। कितने चोर घुसे? चार। और कितने भाई रहते थे बताओ? ये छह के छह क्या करेंगे उन चारों को? धो डालेंगे। धो डालेंगे नहीं धो डालेंगे? और धो के क्या करेंगे? उठा के फेंक देंगे बाहर। तब आप समझ में आती है? तो देखो नाजिस के छह भाई थे, नाजिस भी था उसमें, और सबसे ज्यादा इसी ने धोया है ना। तो देखो ये छह भाई हैं, एक देखो ये एक ही घर है ना बेटा, एक ही कार्बन से लगे ना, तो एक ही घर है। उस एक घर में कौन रहता है? छह भाई रह रहे हैं। अब चार चोर घुसे अंदर, तो क्या बताओ उसके अंदर छह। अब उनको पता नहीं थे बेचारों का, तो वो तो ये सोच के गए तो आज तो इनके घर में खाली कर देंगे, मामला निपटा ही देंगे। बट वो जैसे घुसे, ऐसे टाइप के नाजिस टाइप के कितने लोग मिले उसको? छह लोग मिले। जैसे ही घुसे 5 मिनट बाद बाहर एकदम पता नहीं था किस कंडीशन में पड़े हुए थे, एम्बुलेंस आई उठा के ले गए बेचारों को, जेल में भी डाल दिया उनको। ठीक है, क्योंकि छह भाई थे और ये चार चोर थे। अब हुआ क्या कि बहुत बहुत अच्छी है, मतलब चल रहा था घर में सब कुछ, फिर नहीं बाद में थोड़ा सा बंटवारा विवाद होने लगता है कि अच्छा छह भाई हैं, नहीं हमको इतना चाहिए हमको इतना चाहिए। फिर बाद में इन्होंने बंटवारा कर लिया, तीन तीन भाई का ग्रुप बना के दो घर बना लिए। अब ये दो घर बना लिए, घर में तीन भाई और दूसरे घर में तीन भाई, बंटवारा हो गया, तीन तीन लोग है ना। अब बंटवारा कर लिया तो भाई अब क्या होगा कि एक घर में तीन और दूसरे घर में तीन। पहले वाले में क्या था कि एक ही घर में छह लोग थे, एक साथ रह रहे थे छह लोग, है ना। अब क्या हो गया कि दो घर हैं। अब बेटा बताओ, अब इस घर में तीन लोग हैं, है ना, तीन भाई रह रहे हैं। अब चार चोर घुस गए इसके अंदर, तो अब ये जो चार चोर घुस गए, अब सोचो क्या होगा, है ना। तीन लोग घर में हैं और चार चोर यहां पर घुस गए। अब चोर ढूंढ डालेंगे इन दोनों को, समझ रहे हो ना। तो नाजिस बेटा इस बार तो गया, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब हम एक इससे मोरल हमें क्या मिलता है कि एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है, बल नहीं। बात कर रहा हूं लगा करो आप लोग, है ना। एकता में क्या है? शक्ति है। क्लियर है ना बात? तो बताओ यहां पे एकता थी, सॉरी मतलब यहां पे छह लोग थे, चार चोर घुसे, इन छह ने इन चारों को धूल डाला, तो मतलब ये बताओ ज्यादा स्टेबल हुआ ना। यहां पे तीन लोग थे घर में, तीन भाई थे और कितने चोर घुस गए? चार। अब इन चोरों ने इनको धूल डाला, तो कंपाउंड गया ना काम से। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये या ये? वेट। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा था ना कि हर बात का जवाब मिलेगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप इसी बात के इंतजार कर रहे थे कि मैं कहानी खत्म करूं और मैं बोलूं, है ना? तो रुको। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी मोरल इज एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। आपके बात पे आते हैं, ओके? एकता में शक्ति है। तो अभी जस्ट वेट, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, ओके? नाउ चलो आप बता सकते हो इसमें कहां पे एकता? तो अब ये देखना है कि भाई कहां पर एकता है, है ना, उसके बेसिस पे हमें काम करना है। इसमें से बी सिस है और सी आपका ट्रांस है, राइट, और डी आपका जो है ये आपका नॉर्मल है। तो अब चेक करना है, तो देखो डी में आप देख रहे हो कि एकता में शक्ति है। डी में एक ही कार्बन पर छह अल्फा हाइड्रोजन है, तो एकता में शक्ति मीन्स डी सबसे पहले, ए के बाद डी आ गया क्योंकि ए कंजुगेटेड था और बाकी का बी सी डी आपका आइसोलेटेड है। तो डी आ गया, डी के बाद सी और बी, तो सी आपका क्या है? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, आपको पता ही है। तो सी और बी में ज्यादा स्टेबल सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, है ना। और चूंकि ए कंजुगेटेड था वो सबसे पहले आ जाएगा, राइट। तो ये तो हमने आपको कहानी से समझाया, ये हमने आपको कहानी से समझाया कि भाई किस तरह से ये, है ना, चोर का कॉन्सेप्ट लगा कि भाई एक घर में अगर ज्यादा लोग हैं, है ना, मजबूत लोग हैं, तो अगर कम चोर घुसे तो उसको धो डालेंगे,
तो डी के साथ कुछ यही हुआ कि वहां पर एक घर में 6 लोग थे, 4 चोर घुसे और घर वालों ने उस चोर को धो डाला, राइट। अब किस तरह से इसका स्टेबिलिटी होगा, इसका लॉजिक समझते हैं। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन बेटा आपने निकाला, अल्फा हाइड्रोजन निकाला अगर आपने यहां से, तो CH2- बना और कुछ ये कंपाउंड बन गया। अब आप देख रहे हो यहां पर रेजोनेंस का कंडीशन हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका डी है वो ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा इन सब में क्यों है। तो आप देखो जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस करा लो आप। जैसे आप रेजोनेंस कराओगे तो आप देखो क्या होगा कि माइनस आपका है ना लास्ट में चला जाएगा और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपका अब जो कार्बेनायन बनेगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, आप देखो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया है ना। तो ये जो कार्बन है इस पर माइनस चार्ज आ गया और देख रहे हो कि जिस कार्बन पर माइनस चार्ज आ रहा है बेटे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया लॉजिक है ये, जिस कार्बन, वो 1 डिग्री कार्बेनायन हो गया, 1 डिग्री कार्बेनायन हो गया। तो जो आप यहां पर ऑप्शन डी देख रहे हो, यहां पर जब अल्फा हाइड्रोजन निकला और रेजोनेंस हुआ तो फाइनली आपको जो कार्बेनायन मिला वो 1 डिग्री मिला। कितना मिल रहा है आपको? 1 डिग्री मिल रहा है। तो इस वाले केस में आपको 1 डिग्री कार्बेनायन मिला ड्यूरिंग हाइपरकॉन्जुगेशन, हाइपरकॉन्जुगेशन होने के बाद फाइनली आपको 1 डिग्री कार्बेनायन मिल चुका है। चलिए अब बात आती है कि बी और सी में। देखो बी और सी में बेटा हमें यह तो पता है कि सीसा और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं और देखते हैं कि बी और सी में और डी में अगर कंपैरिजन करें तो डी पहले क्यों आया, सी और बी लास्ट में क्यों गया, है ना। तो ये एग्जांपल आपने किसका देख लिया? डी का देख लिया, ठीक है। चलो अब इनमें से कोई सा भी आप एक एग्जांपल ले लो और वहां से डिसाइड करते हैं, अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन है। तो देखो CH3, अब यहां से डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर इधर CH3। चलो हमने सीसा ट्रांसफर से कोई सा भी एक ले लो क्योंकि हमें जस्ट डी के साथ कंपैरिजन करना है। तो अब यहां से है ना, अब यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालो तो CH2- हो गया और इसके बाद फिर आप कंपाउंड बना लो, है ना, सी डबल बॉन्ड सी और फिर यहां पर CH3 और यहां पर एच आ गया, ठीक है बेटे, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है? तो रेजोनेंस कराओ भाई, रेजोनेंस कराओगे देखो माइनस सिंगल डबल हो रहा है, माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस कराओगे तो अब देखो क्या होगा, है ना। रेजोनेंस कराने के बाद आपको जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा जो आपको अभी सामने नजर आएगा, देखो ध्यान से, है ना। तो जो अब आपका ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो बेटा ये जो कार्बन यहां पर माइनस चार्ज आ गया, इस कार्बन से देखो 2 कार्बन डायरेक्ट लगे हुए हैं, सो दिस इज 2 डिग्री कार्बेनायन। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बेनायन है तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, और यहां पर एच, और यहां पर नेगेटिव चार्ज, कितना डिग्री कार्बेनायन है? This is 2 degree and this is 1 degree, which one is more stable? 1 degree किस में आया? कौन से वाले में आया? इसमें आया। 2 degree किस में आया? इसमें आया। तो जब आप इसका कराते हो तो यहाँ पर 1 degree कार्बनायन बनता है और यहाँ पर कितना डिग्री कार्बनायन बनता है? 2 degree कार्बनायन बनता है। अब आप बेटा खुद ही बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता है कार्बनायन? बेटा आप ही ने पूछा था, विच वन इज मोर स्टेबल? 1 degree। So this one is more stable. This is the mechanism of हर चीज़ है, कहानी भी है और प्लस कॉन्सेप्ट भी है, उसका mechanism भी है, समझ में आया ना। तो फाइनली अब हमने क्या देखा कि हम इसका यूज कर सकते हैं, मैंने mechanism के थ्रू भी आपको समझा दिया। एकता में शक्ति है। कितने चोर आए थे बताओ, यहाँ पे कितने लोग थे घर में? कितने चोर घुसे? कौन धुल गया? चोर, कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल। कितने लोग थे यहाँ पर? कितने चोर घुसे? कौन धुल गया? कंपाउंड, स्टेबिलिटी कंपाउंड की गई। और बाकी ये था आपका मैकेनिज्म, हो गया आज का जितना भी समझाया, क्लियर हो गया बेटा? कोई कुछ पूछना है, कोई डाउट, एनी डाउट? क्लियर है? ओके, सो टुडे हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।